नमस्कार, 9 दिन 9 मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ। सिद्ध गंधर्व यक्षाद यैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देव और असुर जिनकी सेवा में समर्पित हैं, वो सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री कल्याण करें। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की उपासना नवरात्र पूजन के 9वें दिन की जाती है। सिद्धिदात्री माँ की पूजा के बाद नवरात्र पूजन अनुष्ठान संपन्न होता है। पुराणों के अनुसार सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियाँ मिली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करते हुए सबसे पहले इस मंत्र द्वारा माँ के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी स्वर्णा वर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पद्म धराम सिद्धिदात्री भजे। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित कमल के आसन पर विराजमान 4 भुजाओं वाली यशस्विनी माँ सिद्धिदात्री की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो स्वर्ण के समान कांति वाली हैं, उन्हीं त्रिनेत्रधारी शंख चक्र गदा और कमल पुष्प से सुशोभित माता दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की अर्चना करते हैं। सिद्धिदात्री देवी माँ सरस्वती का भी स्वरूप है। देवी सरस्वती की तरह इन्होंने भी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। पूजा करते हुए माँ को कमल का फूल या कोई लाल फूल अर्पित करते हैं। इसके बाद माँ को भोग लगाते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद, फल, हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल सहित नवरस युक्त भोजन और 9 तरह के फल फूल आदि का अर्पण करते हैं। इस बीच ओम सिद्धिदात्री देवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। अब हाथ में पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्म धरा मुकुटोज्वलो स्मेर मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परम ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। कंचन आभा से युक्त शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए दिव्य मुकुट से शोभायमान मंद हास्य युक्त मुखमंडल वाली शिव पत्नी माता सिद्धिदात्री को नमस्कार है। परम आनंदमयी परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप परम शक्ति और परम भक्ति से सुशोभित माता सिद्धिदात्री को नमस्कार है। भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाली भवसागर से तारने वाली माता सिद्धिदात्री को नमस्कार है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायिनी महामोह का विनाश करने वाली सिद्धिदायिनी माता सिद्धिदात्री को नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद माँ की कथा सुनते हैं, आरती करते हैं और हाथ जोड़कर माँ से क्षमा निवेदन करते हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी
परिपूर्णं तदस्तु मे। अज्ञानादिस्मृतेर्भ्रान्त्या यत् न्यूनं धिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि। प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे। ग्रहणार्चाम इमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहणा स्मत्कतम जपम। सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी। माँ मुझे क्षमा करिए क्योंकि मुझे आवाहन विसर्जन और पूजन विधि का ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूलवश या बुद्धि भ्रांत होने के कारण पूजन में जो न्यूनता या अधिकता हुई है वो सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी मेरी ये पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली सुरेश्वरी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। माँ से इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद कन्याओं को माँ के प्रसाद का भोजन कराते हैं। इस प्रकार कन्याओं को खिलाने के साथ ही नवरात्र अनुष्ठान का समापन होता है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 9 दिन 9 मंत्र सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूले। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूले @ राजूला शो।